हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? अच्छा भाई, अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं ना, वो इससे अच्छी बात कोई है नहीं, क्योंकि यार ये सबसे वैल्यूएबल स्किल है। मैं समझता हूँ कि पब्लिक के सामने बोलना, कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज़ को शेयर करना, और ना सिर्फ अपने आइडिया को शेयर करना बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी करना। तो पब्लिक स्पीकर्स जो जो हैं और जो बनना चाहते हैं, ये भाई बहुत अच्छी स्किल है, क्योंकि इसमें आपकी हर तरह की स्किल्स जो आपके पास पहले होती हैं उसको इम्प्रूव करके ही आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, क्योंकि आप अफेक्टिव कम्युनिकेशन भी करते हो, एक्टिव लिसनर भी हो, और आपकी रिसर्च भी बड़ी अच्छी होती है, यानी आप लॉजिकल रीजनिंग भी बड़ी अच्छी करते हो। तो पब्लिक स्पीकर बनना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो पब्लिक स्पीकर्स जो बन रहे हैं या जो बनना चाहते हैं या अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले जो भी पब्लिक स्पीकर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस तो करते ही हैं स्पीच की, कि भाई किस तरह स्पीच देंगे, क्या बात करनी है, ऑडियंस कैसी होगी, ये सब डिस्कस करनी है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स बार बार स्पीचेस भी देते होंगे। एक्सपीरियंस जिस जिस तरह बढ़ता जाता है तो उनको फिर ज़रूरत नहीं होती, वो बस अपनी रिसर्च अच्छी करते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर पब्लिक स्पीकर बनना है तो भाई आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ती है, मिरर के सामने बार बार स्पीच दें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच देंगे तो आपका जो पब्लिक प्रेशर होता है ना, पब्लिक में खड़े होकर बात करने का, वो भी कम होता जाता है। इसका आइडिया बड़ा अच्छा है। इसका आइडिया ये है कि अगर आपको अपना प्रेशर कम करना है तो आप सोचें आप ऑलरेडी सक्सेसफुल स्पीकर हैं। वैसे ये सोचना बहुत मुश्किल है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि भाई आप ऐसा इमेजिन कर सकें तो फिर आपकी स्पीच, पब्लिक स्पीच जो है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, और क्या कहेंगे, हाँ, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है ना उसको बड़ा अच्छा बनाएं, उसको ज़्यादातर टेक्स्ट कम रखें क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, विजुअल्स ज़्यादा रखेंगे तो जो स्पीच की बात होगी ना और जो टेक्स्ट आपको समझा सकता है उससे ज़्यादा इमेज आपको अच्छा समझा सकती है। तो इमेजेस ज़्यादा होंगी तो लोगों को आइडिया ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, और जो स्पीच है ना वो इस तरह होनी चाहिए रिलेटेबल हो, स्टोरीज अगर हो रिलेटेबल तो अच्छा है, क्योंकि ऑडियंस बहुत जल्दी बोर हो जाती है। ऑडियंस को इंगेज रखें, उनसे भाई क्वेश्चन आंसर सेक्शन करें, रिलेटेबल बात करें, और उनको समझ भी आए, ये नहीं उनके ऊपर से निकल रही हो भाई आप तो बड़ी अच्छी रिसर्च करके आए हैं, लेकिन जो है ना उनको समझाने के लिए आप इतनी मुश्किल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि भाई उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो बस आपके भरम पड़ रहे हैं, वो आइंदा आपको सुनने नहीं आएंगे, बस बोलेंगे हाँ यार बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि उसने क्या बोला, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है। तो ये पब्लिक स्पीच के कुछ पॉइंट्स थे। बाकी कोशिश करने की रिसर्च इतनी अच्छी हो कि लोगों के क्वेश्चंस कम हो, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, तो उसको ऑलरेडी प्रिपेयर रखें ताकि आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, अचानक से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि भाई आप अगर पहली दफ़ा दे रहे हो स्पीच तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी कम होगा। कपड़े अच्छे पहने तो उससे भी कॉन्फिडेंस अच्छा आता है, नीट क्लीन रहेंगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपके लिए ही है, मतलब वैसे तो देखने में भी बंदा अच्छा लगता है, उसकी बात भी बंदा सुनता है जो अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आता है। बाकी ये रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन के आंसर सुने पहले, समझें फिर दें, तो बड़ी अच्छी स्किल है भाई। इसमें नेटवर्किंग भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई ये सीखनी चाहिए सबको पब्लिक स्पीकिंग, और करनी करती भी रहनी चाहिए। इससे ये होता है कि ना सिर्फ आप दूसरों को सिखाते बल्कि आप खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं लोगों से इंटरेक्ट करके, क्योंकि हो सकता है कभी आपके पास ऐसा सवाल है या ऐसा पॉइंट है जो आपने सोचा ही ना, तो ये भी है। ठीक है, चलें भाई, चलते हैं भाई, अल्लाह हाफिज़।